हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए फर्स्ट सम्मेटिव असेसमेंट क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर लेके आए हैं। बड़ा ही शानदार पेपर है, आओ हम साथ साथ मिलकर इसको हल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई नई वीडियो, नए नए पेपरों के हल मिलते रहें। देखिए, अभी पहला प्रश्न आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ये इंग्लिश अल्फाबेट दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑर्डर भरना है आपको। डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पर जेड दिया हुआ है, यहाँ पर इससे पहले अक्षर कौन सा आएगा? अभी यू वी, ठीक है, ये बी बे ऑप्शन सही होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। प्रश्न नंबर दो है, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर, प्रथम अक्षर क्या होगा ऑफ द वर्ड, शब्द का, फॉर द नंबर, ये जो 30 है इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? अभी 30, क्या लिखते हैं? अभी 30, इसका पहला अक्षर क्या है? अभी टी, तो ये उत्तर सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर तीन है, पेन एंड वेन, पेन एंड वेन हैव द सेम साउंड, दोनों की ध्वनि समान है। पेन वेन, पेन वेन, चूज द वर्ड दैट हैज द सेम साउंड टोल, ये टी ए डबल एल है ना, ये बच्चों टोल है, टोल टोल, सी ए डबल एल कोल, बी ए डबल एल बोल, ऐसे अक्षरों को ओ की उच्चारण किया जाता है। इसमें देखिए भी फूल, फेल, फेल, फोल, गिरना। अब चार नंबर प्रश्न देखिए भी, चूज द मिसिंग लेटर इन द वर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट सावन बिलो, एक चित्र दिखाया गया है, इसका पहला अक्षर आपको इसमें से लिखना है। अभी क्या चीज है? ये पेन है, तो पेन में पी आता है, तो यहाँ ये यहाँ पी लगाते ये पूरा हो जाएगा, पी एन पेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर, एक तस्वीर दिखाई हुई है यहाँ पर, इसके किसकी तस्वीर है? भी ये स्टिक है, टेबल है, टेबलेट है, चेयर है, ये टेबल है। छह नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, राजू इज ए बॉय, राजू एक लड़का है, राजू के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, सर्वनाम आएगा, वो बताना है आपको। लड़का है, लड़के के लिए क्या आता है बच्चों? ही आता है, ही इज प्लेइंग, लड़की के लिए सी आता है, और दो या दो से अधिक उनके लिए क्या आता है? भी दे आता है। सात नंबर क्वेश्चन देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, सही शब्द भरना है भी आपको। अब देखो अभी, द मैन ब्रेक टिल 8 o'clock टुमारो मॉर्निंग, अब यहाँ पर देखो भी एक टुमारो शब्द आया हुआ है, अगर टुमारो का मतलब होता है आने वाला, कल, भविष्य, फ्यूचर टेंस को बता रहे, किसको बता रहे? ये फ्यूचर टेंस को बता रहे, फ्यूचर में क्या आता है अभी? ये तो नहीं आता वर्ब, ये भी नहीं आता, आर नहीं आता, विल वर्क आएगा, क्या आएगा अभी? विल वर्क आएगा, फ्यूचर में शैल विल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर आठ है, चूज द लेटर, उस अक्षर को चुने दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट ऑल टू वर्ड्स, दोनों शब्दों को पूरा करने में काम आ सकता है। अब ये तो देखो अभी, क्लाउड है, क्लाउड माने होते हैं बादल, ये है रफ, रफ खुरदरा, जो आपका रजिस्टर होता है ना, रफ रजिस्टर, फेयर नहीं होता वो, यहाँ पर सी एल ओ यू क्लाउड और सी आर ओ यू जी एच रफ, ये इसका उच्चारण ध्यान रखना आप, रफ। एक होता है सी ओ यू जी एच कप, रफ, एक होता है टी ओ यू जी एच टफ। क्वेश्चन नंबर नौ है, इन द पिक्चर द गर्ल्स आर, लड़कियां क्या कर रही हैं अभी? डांसिंग कर रही हैं। अब मैंने पहले बताया था आपको, रिक्शान से पहले इजेमार या वाजवर आता है, तो वहां पर वर्म आई एन जी आता है, तो डांसिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आया हुआ है, चूज द ऑप्शन, उस ऑप्शन को चुने दैट बेस्ट करेक्ट द सेंटेंस गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया वाक्य उसको सही कर दे। रानी पुट फोर, रानी ने रखी, पुट मन होता है रखना, चार इन द बास्केट, टोकरी में क्या रखी भी? चार, टेबल रखी, चेयर रखी, फैन रखे, एप्पल्स। अब यहाँ पर देखो भी, ये टेबल एक वचन है, टेबल्स होता तो चेयर्स एक वचन है, ये बहुवचन है, एप्पल्स, सेव रखे थे चार। 11 नंबर प्रश्न देखिए भी, विच वन इज द अपोजिट ऑफ फादर, फादर एक शब्द है पिता, उसका आपको जेंडर चेंज करना है, विलोम लिखना है उसका, तो फादर क्या हो गया अभी? मदर। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई सा ए कॉय कैप, मैंने एक टोपी देखी, सोप, इन द सोप आएगा, फॉर द सोप, आफ्टर द सोप, विद द सोप, इन द सोप आएगा।
अब एक स्टोरी दी हुई है उसको पढ़ना है अपने को और उसके नीचे उत्तर दिए उनको सीखना है। देखो भी क्या स्टोरी दी हुई है। स्टोरी दी हुई है, देयर वॉज ए कैट, एक बिल्ली थी, इट लाइक टू कैच रेट्स टू ईट, वेयर पसंद करती थी कैच पकड़ना रेट्स चूहों को टू ईट खाने के लिए। वन डे एक दिन क्या हुआ भी, इट कुडंट फाइंड एनी रेट्स टू ईट, उसे एक भी चूहा नहीं मिला खाने को। सो इसलिए इट वेंट टू लुक फॉर, लुक फॉर होता है तलाश करना, बढ़िया फ्रेजल वर्ब है आप बच्चों याद रखना, लुक फॉर तलाश करना, किसकी तलाश करने गई वो भी मिलक दूध की। इट फाउंड ए बॉल, उसे क्या मिला भी कटोरा मिला फुल ऑफ मिलक, उसमें क्या भरा हुआ था मिलक भरा हुआ दूध था। एंड ड्रैंक पी गई द मिलक दूध को, कौन पी गई भी बिल्ली, कैट वाज ए पी, बिल्ली बहुत खुश थी। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 आया है, व्हाट डिड द कैट लाइक टू ईट, बिल्ली है वो क्या पसंद करती थी खाने में भी, रेट्स चूहे। 14 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डिड द कैट फाइंड, बिल्ली को क्या मिला भी, यहाँ पर दिया हुआ है इट फाउंड ए बॉल फुल ऑफ मिलक, दूध का कटोरा मिला था। हाउ डिड द कैट फील एट द एंड, अंत में बिल्ली ने कैसे महसूस किया, कैसे महसूस किया भी, दुखी थी, खुश थी, भूखी थी, एक्साइटेड थी, वो खुश थी भी, दूध मिल गया था उसको। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।